नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो है सीटेट द्वारा 2024 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन जो है सीटेट पेपर टू मैथ्स से है। तो यदि क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी बहुफलकी के फल को किनारों और शीर्षों की संख्याएं क्रमशः 7.15 और एक्स है, तब 2f + 3 - 4x का मान है। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए जो है एक रिलेशन आता है कि आप अगर f + v बराबर लिखते हैं e + 2, तो इसी रिलेशन से जो है इस टाइप जो है कोई भी क्वेश्चन बन जाता है। तो रिलेशन में ये है कि बहुफलकी के फलकों की संख्या प्लस शीर्षों की संख्या बराबर क्या होता है, तो किनारों की संख्या प्लस 2। तो इस रिलेशन में जो है क्या करते हैं, तो f का मान रखते हैं। तो f का मान कितना है, तो 7, या फिर फलकों की संख्या कितना है, तो 7। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 + शीर्षों की संख्या कितना है, तो x है। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर किनारों की संख्या कितना है, तो 15। तो 15 + 2, यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है लिखेंगे 7 + x = 17 और x बराबर लिखेंगे यहाँ पर 17 - 7, या x बराबर लिखेंगे 10। तो यहाँ पर जो है शीर्षों की संख्या कितना आ गया, तो 10 आ गया। अब यहाँ देखिए, हमें किसका मान निकालना है, तो हमें जो है मान निकालना है 2f + 3e - 4x का। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखेंगे 2 × f का मान कितना है, तो f का मान जो है 7 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 + 3e, तो e का मान कितना है, तो 15। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 × 15 - 4 × x का मान कितना है, तो 10। तो यहाँ लिखेंगे 10। यहाँ देखिए, 7 × 14, 15 × 45, 4 × 40। और यहाँ देखिए, 14 + 45 - 40 कितना होगा, तो 5। अब यहाँ देखिए, 14 × 5 कितना होगा, तो 19। तो इनमें से जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये ऑप्शन 2 जो है सही होगा, क्योंकि 2f + 3e - 4x का मान कितना आ गया, तो 19 आ गया, और ये जो है अपना आंसर आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। तो अभी इतना ही, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।